पढ़ाई लिखाई हमको नहीं लगता हो पाएगा इनसे, आगे जाके पढ़ना नहीं है, चाय आपको भी चाहिए बेचना नहीं, हाँ चाय बेचना दिल्ली में तो काम नहीं कर रही होगी तो पैसा मिल ही रहा होगा। हाँ कितना? 9000। अच्छा आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? इस बार इंटर पास किया। अच्छा इस बार 12 पास, मतलब ये 12 क्लास में अभी चाय बेच रही, ये भी इसी में लग गई है, इनको पैसा मिल रहा 9000 रुपए। इनके साथ एक और लड़का था वो थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड में बोल रहा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? खैर बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, बहुत दिन से मतलब बहुत सारा कमेंट में आ रहा था आप लोग ग्रेजुएटेड चाय वाली का न्यू स्टॉल दिखाइए, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। एक्सीपुरी पार्सल पास लगा हुआ है यहाँ का न्यू स्टॉल, तो देख सकते हैं स्टॉल है, बहुत अच्छा स्टॉल है। तो अभी फिलहाल में ना पता है एक बार आदमी जब पॉपुलर हो जाता है ना तो उसमें ना एटीट्यूड प्लस समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं प्रियंका जी नहीं है अभी, ठीक ना, प्रियंका जी अभी नहीं है, अभी उनका ब्रांड चलने लगा है। तो ब्रांड चलने लगा तो आप खुद का काम नहीं करेंगी, वो अब वहाँ पे ना दूसरे आदमी को रखेंगी। चलिए बात करते हैं। तो स्टॉल तो बहुत अच्छा है भाई, स्मार्ट स्टॉल है, तो देख सकते हैं आप लोग स्टॉल में बहुत अच्छा स्टॉल खुला है। तो चलिए बात करते हैं, और चाय तो हम लोग पिए हैं। तो आप लोग पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो आई बटन पर वीडियो डाल देता हूँ, देखिएगा जरूर। तो चलिए बात करते हैं, अभी फिलहाल में दूसरे कोई बैठ रही है, और प्लस एक अभी ना इनका ब्रांच खुलने वाला बहुत सारा, तो अभी इन लोग लाइन बना रहे ब्रांच कहाँ खुलना है कैसे खुलना है। तो चलिए बात करते हैं। प्रियंका जी तो नहीं है, तो फिलहाल में ये हैं, तो इनकी टीम है, ये टीम है और ये है भैया हैं। तो अभी ब्रांच खुलने वाला है क्या, और सारा ब्रांच खुलेगा? इसके बाद एक और ब्रांच खुलेगा। तो प्लान बन रहा है कहाँ खुलने का, कहाँ पे खुलेगा ये नहीं बता सकते क्योंकि ये सीक्रेट है। अच्छा तो अभी प्रियंका जी कहाँ गई? वो फ्लैट देखने गई है, बोल रही है। अच्छा फ्लैट देखने गई, ऐसे मतलब बैठती है दुकान पर, मतलब स्टॉल पे बैठती है ना? वो रहती है, चाय वही बनाती है। अच्छा आज मतलब आप पहली बार आए इस पे? नहीं नहीं हम पहली बार नहीं, हमको लगता है पिछले वाले जो स्टॉल था ना उनको अच्छा। चलिए तो एक दिन में कितना अर्निंग हो रहा है आजकल? हंसी नहीं बोलिए, मना किए क्या? मतलब एक दिन में 600 कप बिकता है तो लगभग ऑलमोस्ट 15 रुपए लगभग उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दिन में 10,000 रुपए प्लस कंफर्म है। इनके भी एक टीम है देख सकते हो भाई। तो मतलब ये लोग बात करना नहीं चाहते हैं, तो मतलब बोरे प्रियंका आएंगे, हमको नहीं लग रहा आजकल प्रियंका जी बैठ रही हैं स्टॉल पर, ठीक ना। और हम पूछे अर्निंग कितना तक होता है तो ये भी नहीं बताना चाहती है, मतलब बोलते हैं ना एटीट्यूड होना, तो यही चीज़ हो गया इनमें, एटीट्यूड होना यही हो। लगभग 600 बोरे कब बिक जाता है, मतलब उसे इंक्लूड करिए 10,000 रुपये, लगभग 10,000 रुपये एक दिन का अर्निंग है। तो मतलब एक दिन का अर्निंग 10,000 है तो उससे कर लीजिए भाई कितना हो जाएगा, 3,00,000 रुपए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कमाई, मतलब एटीट्यूड कैसे हो गया ऐसा? अगर देखो बात करने का ढंग होता, बात करने का भी ढंग नहीं है, मतलब बोल रहे कि कोई आएगा दूसरा कोई आएगा तो बात कीजिएगा उनसे, हमसे मत बात कीजिए। मत देखो भाई बहुत दिन के बाद आए तो उनका जो स्टाफ है उनका हाथ का चाय पीते हैं, जो प्रियंका का हाथ का उतना भी कुछ खास चाय नहीं था तो इनका ही पीते हैं चाय। मतलब लड़की है तो क्या वायरल हो जाएगी कोई बात है? चलिए चाय पीते हैं। कैसा लग रहा है? इनका भी स्टाफ चाय ठीक ही अच्छी बना रहा है, अच्छा बना रहा है। चाय ठीक है, टेस्ट है? हाँ चाय ठीक लग रहा है, चाय कमी नहीं है। प्रियंका बना या ये बना रही? प्रियंका से अच्छी यही बना रही है चाय। आपका नाम क्या हुआ? नीतू राज। तो नीतू राज इनका नाम हुआ, आप ये मतलब यही स्टॉल संभाल रही हैं आजकल, ठीक ना। तो अभी प्रियंका जी थोड़ा बिजी चल रही है क्योंकि मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब वर्क हो गया है तो थोड़ा अभी रेस्ट मार कर रही हैं। और मतलब अभी कहीं गई है क्या? अभी मिली थी रास्ता में, फ्लाइट बोल रही थी लेना हमको। हाँ तो अभी कितना बजे से कितना बजे स्टॉल खुल रहा है? 4:30 से 10। 4:30 से 10 शाम का? 4:30 से 10। हाँ, ना शाम के साथ। तो मतलब आप कितना यहाँ पे मतलब मिल रहा आपको? आप फ्री में तो काम नहीं कर रही होंगे तो पैसा मिल ही रहा होगा? मिल रहा। हाँ कितना? 9,000। कितना? वही 4:30 से आपको आना है कि 2 बजे से? 4:30 से 9 बजे तक, क्योंकि हमको ऑटो नहीं मिलता, हम अनिसाबाद में रहते हैं। अच्छा अनिसाबाद में ही? हमको 9 बजे दीदी छोड़। तो नीतू जी अनिसाबाद में रहती हैं, तो मतलब आप प्रियंका जी आपकी कोई रिलेटिव लगती हैं क्या? नहीं।
मतलब आप लोग साथ में फ्रेंड्स हैं? नहीं, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं, स्टाफ है ना। हाँ। तो ये भी अभी चला रही हैं, तो अभी तो और जगह खुलना है, अभी कुछ प्लान बना? हाँ, खुलना तो है, कंफर्म है। हाँ, खुलेगा अगले मंथ में खुलेगा, लेकिन वो सीक्रेट है, हम लोग को भी नहीं। नहीं नहीं, चलिए सही है। मतलब बिहारी में खुलना है कि बिहार से अलग स्टेट में? इतना तो बता दूँ, बिहारी में खुलेगा। अच्छा, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? इस बार इंटर पास किया। अच्छा, इस बार 12 पास किया। आगे जाके पढ़ना नहीं है? चाय आपको भी चाहिए बेचना? नहीं नहीं, हाँ चाय बेचना है, लेकिन पढ़ाई भी करना। पढ़ाई मतलब लगभग 4:30 बजे से, मतलब 4 बजे आ जाती होंगी आप, और आराम से 11 बजे घर जाती होंगी रोजाना? है नहीं नहीं, 9 बजे तक घर चल जाती है, उसके बाद रात में पढ़ती है। हो जाता सुबह तक? तो मतलब घर ही पे रहते हैं, 4:30 बजे घर से निकलते, 4:30 में यहाँ पहुँचते हैं। पढ़ाई हो जाएगा? नहीं होगा, 4। चलिए सही है। तो थैंक यू नीतू जी, आपसे अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। चाय भी यही बना रही है, तीन का चाय पिए, चाय अच्छा लगा पीने में। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। देखो भाई, इनका नाम नीतू जी था, ठीक ना? तो नीतू जी पहले ही बोल दी थी ना, मतलब हमसे कुछ सवाल नहीं पूछे, तो किंतु फोर्सफुली पूछने पड़ा। मतलब ये 12th क्लास में अभी चाय बेच रही, ये भी इसी में लग गई है, इनको पैसा मिल रहा 9,000 रुपये। तो ठीक है, जो है सही है, बढ़िया है, करते रहे। पढ़ाई लिखाई हमको नहीं लगता हो पाएगा इनसे। तो इनके साथ एक और लड़का था, वो थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहा था। तो ये छोटा सा स्टॉल था, अभी प्रियंका जी का एटीट्यूड बढ़ चुका है, अब नया नया ब्रांच खोल गया। प्रियंका जी मिलेगी नहीं, मेरे बहुत कम चांस है भाई मिलने का। तो ठीक है, इतना बकवास करने का बात चले, ठीक है, ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं भाई। ब्लॉग अच्छा लगेगा प्लीज़ कमेंट करिए, इस ब्लॉग पे क्या कमेंट करेंगे हम देखना चाहते हैं, क्या आपका रिएक्शन है, ठीक ना? छोटा स्टॉल खुला है, एटीट्यूड प्लस। देखिए भाई, जितना ही ब्लॉगर है ना इंडिया में, फेमस करने वाले ब्लॉगर थे, आज के डेट में एटीट्यूड हो गया तो बहुत हो गया। तो ठीक है, ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, भारत मातृ की जय।